नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जो तेज प्रताप यादव ने नारा दिया है, उसको लेकर के आज पूरे बिहार में घूमने जा रहे हैं। सर, कहाँ कहाँ प्रोग्राम है और आखिर? अभी तो फिलहाल सहरसा में हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है, लग गया है, तो अभी हम वही निकल रहे हैं सहरसा। कौन सी खास बातें जनता के बीच? अरे, जनता का मुद्दा है, मसला है, जो जनता चाहती है, जो जनता का सपना पूरा नहीं हुआ, उसको हम करने का काम करेंगे, उसको जनता के बीच में हम रखने का काम करेंगे। और लगातार से शुरू से ही हमारा बिहार में तमाम जगह कार्यक्रम चालू हो गया है और अब सहरसा में कार्यक्रम को हम देने जा रहे हैं। अब पूरे बिहार में लगेगा कार्यक्रम। CAA NRC को लेकर के तेज प्रताप जी विपक्ष पे लगातार, सत्ता पक्ष कहता है कि आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो आप ऐसा आखिर जनता के साथ क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको भटका रहे हैं? जनता को तो हम थोड़े भटका रहे हैं, मोदी जी क्या कुर्सी पे बैठ कर भटका रहे हैं? मोदी जी तो भटका रहे हैं जनता को। जो उन्होंने जो 15 लाख का जो वादा किया कि सब नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, तो मोदी जी से ना पूछिए कि मोदी जी क्यों जनता को, भाई आपने ठगने का काम किया, तो जनता ने भी आपको ठग दिया। बिहार में क्या स्थिति देख रहे हैं? तेजस्वी भी निकल रहे हैं बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर के, तो उस पर भी विरोधी कह रहे हैं कि बस किससे लिया, और लालू परिवार का हमेशा से आदत रहा है किसी से दान में लेते रहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा का पार्टी है, अब कोई दान में दे ही भी देता है तो क्या इसमें दिक्कत है? राष्ट्रीय जनता दल गरीब का पार्टी है, अब BJP तो है नहीं, जो बड़े बड़े फाइनेंसरों को, उद्योगपतियों को, रतन टाटा को, अंबानी को, ऐसे पूंजीपतियों को ला के जोड़े। हम लोग जनरल लोग, हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग गरीब गुरबा को, इस सब को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करने का हम लोग काम करते हैं, धरातल से जो मुद्दा होता है उसको हम लोग उठाने का काम। सर, ये घर में जो लोग हैं आपके, जो काम करते हैं, उनसे आप दान में लेते हैं ये कह रहे हैं? जो घर में बगीचा बनाने वाला है या फिर घर में खाना बनाने वाला, उनसे आप मांगते हैं? कोई नहीं, कोई भी है आदमी, कोई भी दे आदमी, इस पार्टी जो होता है समुंदर होता है, अब समुंदर में तो दान लोग देते रहते हैं ना, पार्टी में तो फंड तो देते रहते हैं लोग। तो फिर ये जो आरोप लगा रहे गलत है? नहीं, सरकार क्या कर रही है उस पर क्यों नहीं नज़र जाती है? सरकार की, सरकार जो कर रही है, जो जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, हत्या हो रहा है रोज़, बलात्कार हो रहा है, इन चीज़ों पर क्यों नहीं जाती है? या नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं मिलता है? नौजवानों को रोज़गार की बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग, जो पार्टी के जो लोग भौंक रहे हैं अभी, तो ये लोग क्यों नहीं करते हैं, बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो आप तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार है, कब तक रहेगा? जब तक तेजस्वी यादव को CM ना बना दिए तब तक लगातार चलता रहेगा? लगातार हमारा कार्यक्रम है, चलता रहेगा। धन्यवाद। तेज प्रताप यादव थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का मुहिम जो है वो लगातार चलता रहेगा जब तक तेजस्वी यादव को CM नहीं बना देते। बहरहाल, आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।